हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने मौरवी हादसे पर एक बयान दिया है, जिसमें इन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मौरवी में जो 150 लोग मरे हैं, जिसमें से एक दो साल का बच्चा भी था, इन्हें कब इंसाफ मिलेगा। आइए हम आपको वीडियो के जरिए पूरा बयान सुनाते हैं। मगर मौरवी में जो 150 लोग मरे, जिसमें 50 बच्चे थे और एक दो साल का बच्चा था, अभी तक जो कंपनी को ये काम लिया गया था उस ब्रिज को सही मेंटेन करने का, चलाने का, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। और दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा खेड़ा गुजरात में गरबा में एक पत्थर फेंकने के इल्ज़ाम पे मुसलमानों को रोड पे लाकर लटों से मारा गया, जनता को जमा करके। ये कौन सा इंसाफ है आपका कि एक कंपनी जो सिर्फ 12 लाख खर्चा की है, क्या गुजरात की जनता की कीमत 12 लाख है, और उनको आप उनको गरबा में पत्थर फेंकने वालों को रोड पे ला के लटों से मारते हैं, और ये कंपनी जो मौत की जिम्मेदार है 150 लोगों की, जिसमें 50 मासूम बच्चे और एक दो साल का बच्चा है, आप उनको तो कह रहे हैं कि बेटा हम तुम पे फूल बरसाएंगे, आराम से घर में बैठो। ये कौन सा इंसाफ है आपका? ये इशू बन सकता है सर, ये फोन में सवाल देखिए, इंसान की जान जो होती है ना, वो इशू नहीं है, वो इंसान की जान है। जो लोग अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, बेटों को, बहनों को खोए हैं, हम उनकी तौहीन नहीं कर सकते। आप इंसाफ करिए ना। आप देखिए, मैं आपको एक दो इंसिडेंट दे रहा हूं, आपको आप खुद जनता फैसला करें।